बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल को घोषित कर दिया गया और जब से रिजल्ट आया है कहीं टॉपर्स की चर्चा हो रही है तो कहीं कम नंबर वाले छात्र क्या करें इसकी बात हो रही है। लेकिन हम आपको बताते हैं उन कैदियों के बारे में जिनके नंबरों ने लोगों को चौंका दिया है। बात हो रही है शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर जेल के 7 कैदियों ने यूपी बोर्ड के एग्जाम दिए थे। कैदियों ने जेल में रहकर ही तैयारी की और बरेली जेल में सेंटर पर एग्जाम दिया। अब रिजल्ट आया तो देखने वाले हैरान रह गए। 7 के 7 कैदी फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। इसमें कुछ के तो 75% से ज्यादा नंबर आए। 7 में से 4 कैदियों ने 10वीं की परीक्षा दी थी और 3 ने 12वीं की। यह आपको ये भी बता दें कि इसमें से 3 कैदी मर्डर केस में बंद है, 2 कैदी रेप केस में बंद है और 2 अन्य मारपीट जैसे मामलों में। जेल सुपरिंटेंडेंट मिजाजी लाल ने कैदियों के बारे में डिटेल में बताया। मिजाजी लाल ने बताया कि उनके जेल में बंद ये बंदी पढ़ाई में विशेष रुचि रखते थे, इसीलिए इन बंदियों से सिर्फ पढ़ाई के अलावा जेल में और कोई काम नहीं कराया गया। इसी का परिणाम है कि आज इन्होंने शाहजहांपुर जेल का नाम यूपी में रोशन किया है। सुनिए उनकी बात। आज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के घोषित परीक्षा परिणामों में से शाहजहांपुर जेल के सभी बंदी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में 4 बंदी और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3 बंदी सम्मिलित हुए थे जिनका परीक्षा केंद्र केंद्रीय कारागार बरेली निर्धारित था, जहां सभी बंदियों ने जाकर के परीक्षा दी और सभी बंदी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिसमें से कुछ बंदी विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। कैदियों के शानदार प्रदर्शन पर पूरी जेल में खुशी का माहौल है। जब शनिवार को रिजल्ट सामने आया तो जेल सुपरिंटेंडेंट मिजाजी लाल ने जेल में मिठाई बंटवाई। आपको यहां बता दें कि प्रदेश की कई जेलों में ऐसे कैदी हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसे कैदियों को जरूरत पड़ने पर एग्जाम देने की व्यवस्था भी कराई जाती है। अब शाहजहांपुर जेल से जो रिजल्ट सामने आया है वो सुखद बदलाव के संकेत दे रहा है। परीक्षा फल आने के बाद पास हुए बंदियों और जेल स्टाफ ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। आपको यहां बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि UPMSP ने कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं का रिजल्ट शनिवार दोपहर 2 बजे जारी किया था। इसमें कक्षा 10वीं की परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर परफॉर्म किया है। साल 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए रिकॉर्ड संख्या में 55,25,308 छात्रों ने पंजीकरण कराया। इनमें 29,47,311 हाई स्कूल के छात्र और 25,77,997 इंटरमीडिएट के छात्र शामिल है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित की गई थी। तो इसको लेकर फिलहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें।